नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका एआई एंकर निष्पक्ष। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर के कैथी बदनपुरा गांव में चिकन पॉक्स की बीमारी फैली हुई है, जिससे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि चिकन पॉक्स से 20 दिनों के अंदर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि गांव में अभी भी करीब 1 दर्जन बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। पहले माता ने की हुई, उसके बाद ब्लडम वगैरह करने लगा, उसके बाद ले गए अस्पताल, तो शाम को वहाँ से अस्पताल से इलाज करा के लाए। सुबह रात में तबीयत खराब हो गई, ले गए तो वो। हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता हुआ विवाहिता का शव मिला। वहीं विवाहिता की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के गांव बसई बाबस का है। महोबा में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है, साथ ही अवैध हथियार बनाने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में बंदूकें, कट्टे और कारतूस बरामद हुए है, साथ ही हथियार बनाने वाली मशीन भी बरामद की गई है। मामला बारात पहाड़ी गांव का है। हीरासर गांव के पास युवक अपने गाड़ी में कपास लेकर चोटीला की ओर जा रहा था। इसी दौरान युवक गाड़ी को रोड के साइड में खड़ा कर कुछ काम करने लगा। युवक ने जैसे ही गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, गाड़ी के ऊपर झुलती हाईटेंशन तार के चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। लिंबड़ी तालुका पंचायत ने तालुका स्तर पर मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लिंबड़ी तालुका पंचायत अध्यक्ष कृष्ण सिंह राणा उपस्थित रहे, साथ ही लोगों ने इस कार्यक्रम में ग्रामीण इलाके साफ सुथरे रखने की शपथ ली। अहमदाबाद हाट में राखी मेला का आयोजन किया गया है। राखी मेले का उद्घाटन सामाजिक न्याय अधिकारिता, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री भानु बाबरिया ने किया। इस अवसर पर अहमदाबाद के मेयर क्रीट परमार भी उपस्थित रहे। ये राखी मेला 18 अगस्त से 27 अगस्त तक नागरिकों के लिए खुला रहेगा। सितारगंज में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने कृषि मंडी स्थित सभागार में ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष ने ब्लॉक कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए चरणजीत सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष, जोध सिंह को महासचिव और क्षेत्र पंचायत सदस्य, मुकेश सिंह राणा उर्फ शक्ति भाई और किसान नेता तनवीर आलम को उपाध्यक्ष बनाया है। भारतीय किसान यूनियन के ग्रुप की यहाँ एक मीटिंग की थी, इसमें हमारे कई नए सदस्य जो किसान हैं उन्होंने सदस्यता ली है भारतीय किसान यूनियन की। कुछ हमने यहाँ टीम भी चेंज की है, जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे साहब से उनको हमने जिले में ले लिया, और नए जो लड़के हैं उनको यहाँ पर हमने आज चरणजीत सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है, और योद्धा सिंह जो है हमारे उनको हमने यहाँ महासचिव का पद दिया। मुरादाबाद के भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या के बाद अब संभल में भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष के ससुर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिस मोबाइल से जिला पंचायत अध्यक्ष को धमकी मिली है वो मोबाइल राजस्थान का बताया जा रहा है। प्रशासन मेरा पूरा सहयोग कर रहा है, और जो विषय था वो मैंने एसपी साहब के सामने रख दिया है, एफआईआर उसके विषय में दर्ज हो गई है, उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी उसका खुलासा करें। अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी क्षेत्र से लापता युवक के परिजन एसएसपी दफ्तर पहुंचे। आरोप है कि हफ्ते भर से लापता युवक की थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने थाना पुलिस पर पैसे लेकर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के मदीना कॉलोनी में दो पक्षों में विवाद हो गया। पूरा विवाद मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।